नमस्कार दोस्तों, आज हम बिल्कुल ढेला स्टाइल के मूंग दाल के भजे बनाएंगे, वो भी तीखी फ्राइड हरी मिर्ची के साथ में, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ढेला स्टाइल मूंग दाल के भजिए। यहाँ पर मैंने एक कप पीली मूंग दाल ली है, जिसे मैंने धो दिया है और एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसमें पीने का साफ पानी डाल देंगे और इसे सोक करने के लिए 4 से 5 घंटे रख देंगे। अगर आपके पास 4-5 घंटे नहीं और आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो आप 2 घंटे के लिए इसे गर्म पानी में रख सकते हैं। ये देखिए, हमारी दाल जो है वो फूल कर तैयार हो गई है। अब हम इस दाल को पानी निकाल कर मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, जिसमें हम इसे अच्छे से पीस सके। तो इसमें हमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दाल जब फूल जाती है तो उसके अंदर काफी पानी होता है। तो हम एक बार सारी दाल को निकाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और यहाँ पर हम, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और यहाँ पर हरी मिर्च डाली है मैंने 4-5, जो कि आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको तीखापन पसंद है। और 10-12 मैंने इसमें काली मिर्च डाली है साबुत। अदरक का टुकड़ा डाला है मैंने यहाँ पर, ये जिंजर का टुकड़ा 1 इंच का डाला है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच जितना जीरा डालूंगी, साबुत जीरा है ये। अब हम इसको 1 या 2 चम्मच पानी डालकर इसको पीसेंगे। इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए, हमारी जो दाल है वो पीस कर तैयार हो गई है। हमें दाल जो है दरदरी सी पीसनी है, यानी एकदम फाइन सा इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको कोरस रखना है। तो ये देखिए, हमारी दाल पीस कर तैयार हो गई है। हम इसे बाउल में निकाल देंगे। इसके अंदर हम कटा हुआ धनिया डालेंगे, हरा धनिया। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ डाली है, जिसे हम कूटेंगे, मोटर के अंदर डाला है मैंने इसको। और 1 छोटा चम्मच जितना मैं साबुत धनिया डालूंगी इसके अंदर। और अब हम इसको अच्छे से कूट देंगे। साबुत धनिया का स्वाद बहुत अच्छा लगता है भजिए के अंदर, तो हम इसको इसके अंदर डालेंगे कूटने के बाद में। और ये देखिए, हमने इसको दरदरा सा कूट दिया है। बाजार में जब भजिए मिलते हैं उसमें भी इसी तरीका का स्वाद आता है, तो हम बिल्कुल बाजार के जैसे ही भजिए बना रहे हैं मूंग दाल के। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर सेंधा नमक डाला है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर, 1/4 चम्मच जितना मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 पिंच जितना, 1 या 2 पिंच जितना खाने का सोडा डालेंगे, यानी मीठा सोडा डालेंगे, और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो मीठे सोडे को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो भजिए होते हैं वो एकदम लाइट बनते हैं। और अब हम मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगे, और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम भजिए को इस तरीके से डालते हुए फ्राई करेंगे। आज को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना है। और इनको बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहेंगे। जब हमारे भजिए गोल्डन होने लगेंगे तब हम इनको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, हमारे भजिए जो है फ्राई होने लगे हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए बैटर से भी सारे भजिए बना देंगे। और चम्मच की मदद से भी आप डाल सकते हैं गरम तेल के अंदर। और सारे भजिए को हम इस तरीके से पलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे भजिए जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं, वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अब हम हरी मिर्च लेंगे 5-7, और इन्हें हम धोकर पोंछ देंगे, और इसको हम तेल, गरम तेल के अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम ऊपर ढक्कन लगाएंगे, ताकि जब ये जब फ्राई होगी तो ये काफी चटकती है, तो हम, और तेल भी उछलता है, तो हम इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल देंगे। ये हमारी फ्राइड मिर्ची मूंग दाल के भजिए के साथ में तैयार हो गई है। आप इसे हरी चटनी या फिर सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए घर पर ये रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।